कराची के 38 निजी और सरकारी कॉलेजेस के तमाम तालबात इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में फेल हो गए। अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अनवर जी, देखिये, आला थानवी तालीम बोर्ड ने अब तफसीलात जारी की है। थानवी तालीम बोर्ड के तहत होने वाले इंटर के सालाना इम्तिहानात के मौके पर कराची के 38 कॉलेजेस ऐसे हैं कि जहाँ पे एक भी उम्मीदवार इम्तिहानात के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सका। 25 सरकारी तालीमी इदारे और 13 निजी कॉलेज हैं जिसके तमाम तालिबे इंटर के इम्तिहानात के अंदर फेल हो गए। इंटरमीडिएट बोर्ड ने कॉलेजों की कारकर्दगी तफसीलात भी जारी किए हैं। बोर्ड ने इन कॉलेजों की कारकर्दगी पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुअत्तल भी कर दिए हैं और इन कॉलेजों के जो प्रिंसिपल हजरात हैं वो तलबा की इनरोलमेंट बढ़ाने के अंदर भी नाकाम रहे। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की अगर बात की जाएगी जो कि दरसानों चन्नों के अंदर है, उसके अंदर 100% उम्मीदवार फेल हुए। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज नाजियाबाद के उम्मीदवार 100% फेल हुए हैं। तो इस तरह मजमू तौर पर मुतादी सरकारी कॉलेजेस हैं जिसके नतज सिफर आए हैं। तो उसके साथ साथ सुबह सिंह के अंदर आला सानवी तालीम बोर्ड की इस कारकर्दगी पर सवालिया निशानात उठे हैं, जिसकी रिपोर्ट जो है सुबह वजीर तालीम ने भी तलब की है। और इसके साथ साथ अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुअत्तल करने के बाद इन कॉलेजों के खिलाफ मजीद कार्रवाई भी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।